हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही डिफरेंट सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं आजकल जितने भी मेरे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रही हूँ, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल कर रही हूँ। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि उनका जो एक मेरी सब्सक्राइबर है उनका जो रूटीन है, हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उससे जस्ट ऑपोजिट रूटीन है, मतलब उनका जो वर्किंग आवर है, जैसे हमारा होता है 10 to 6, 10 to 7, 9 to 6 ऐसे करके होता है, बट उनका जो वर्किंग आवर है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब नाइट शिफ्ट है। तो उन्होंने एज ए ब्यूटी ब्लॉगर उन्होंने मुझे ऐसे पूछा, मतलब कि आई एम ए ब्यूटी ब्लॉगर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ ऐसे डाइट शेयर कीजिए जिससे मैं मेरी स्किन ग्लो करे, मेरी स्किन के लिए अच्छा रहे और मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहे। तो मैंने सोचा कि एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हट के टॉपिक है, तो मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और मैंने बहुत सारे इसके लिए प्रिपरेशन की, बहुत सारा दिमाग लगाया, बहुत सारी चीज़ों को सोचा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एज अ यू नो, क्योंकि उन लोगों का टाइमिंग जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि जो BPOs में जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग एयर होस्टेस होते हैं, जो लोग की नाइट शिफ्ट होती है, ITs में होते हैं, IT कंपनी में होते हैं, उनके क्या होते हैं कि किसी किसी की नाइट शिफ्ट होती है जिनके US के क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली। तो हमारा, आपको तो पता है कि जब हमारे इंडिया में दिन होता है तो क्या रात होती है, तो इसके अकॉर्डिंग उनको लोग, हमारे इंडिया में जो वर्कर्स होते हैं उनको नाइट में जाके, उनको नाइट में जॉब करना पड़ता है। तो उनकी जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब वो करते हैं काम, तो उनके जो बॉडी का जो सिस्टम होता है पूरे तरीके से यू नो, मतलब ऐसा हिल जाता है। और उनके जो एज ए ब्यूटी ब्लॉगर मुझे खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे, बताती हूँ मैं आपको कि आप ये खाइए, वो खाइए, इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, इससे आपको यू नो, आपके फेस के लिए अच्छा, आपकी स्किन के लिए अच्छा, आपके ग्लो के लिए अच्छा है। तो मुझे एक कॉमेंट आया था, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। तो आपने देखा कि उसमें मैंने उस मेरे जो सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि क्या उनको किस तरीके का उनको चार्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाया जाए। तो गाइज, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो, और अगर आप डे शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं तब तो आपकी जो यू नो इम्यून सिस्टम है, बॉडी, वो सब बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने चार्ट बनाया है, कुछ टिप्स मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, तो टिप्स आप फॉलो जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है वो होती है 6 AM to 11 AM मॉर्निंग होती है, 12 PM to 3 PM हमारी जो आफ्टरनून होती है, जो लंच का टाइम होता है, 4 to 6 PM हमारे स्नैक्स का टाइम होता है, एंड 7 PM to 10 PM हमारे यू नो डिनर का टाइम होता है। बट जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनसे एक हेल्दी डाइट शेयर करूं, क्योंकि आप अगर ब्यूटी ब्लॉगर हो तो आपको डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी, तो उसी के यू नो उसी के तरीके से मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक हेल्दी डाइट शेयर करूं जिससे उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे, वो हेल्दी रहे, उनके फेस पे कोई पिंपल नहीं आए, फिर ऐसा कुछ यू नो अनहेल्दी चीज़ें नहीं हों उनके साथ। तो यहाँ पे इन लोगों की जो नाइट शिफ्ट वाले होते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी जो यू नो रूटीन होता है जस्ट ऑपोजिट होता है इन कंपेरिजन ऑफ डेली जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है। तो इसमें क्या है कि इनका जो मॉर्निंग टाइम होता है वो 7 PM to 10 PM होता है, इसके बाद इनका जो लंच टाइम होता है वो 1 AM to 3 AM होता है, इवनिंग टाइम जो स्नैक टाइम होता है वो इनका 4 AM to 6 AM होता है, उसके बाद इनका जो नाइट टाइम होता है वो 7 AM to 10 AM होता है, मतलब 10 बजे ये सो जाएंगे, जब दिन में सोएंगे जब तो नाइट शिफ्ट करेंगे ना, जैसे कि जो BPOs में होते हैं या फिर जो यू नो एयर होस्टेस होते हैं, इन लोगों की जो टाइमिंग होती है, इनकी नाइट शिफ्ट होती है, इन लोगों को बहुत ही डिफरेंट होती है इनकी जो टाइमिंग्स होती है, इनकी जो रूटीन होती है। तो यहाँ पे मैं जो आपके साथ चार्ट शेयर कर रही हूँ, इसमें क्या है कि आप जो 7 PM to 10 PM जो आपका नाइट का टाइम होता है, जिसमें आपकी मॉर्निंग एक्चुअल में आपकी मॉर्निंग चल रही होती है, इस टाइम पर आप ले सकते हैं बॉइल्ड एग, स्प्राउट्स ले सकते हैं, पराठे ले सकते हैं, कम ऑयल के ऑलिव ऑयल के ले सकते हैं, और सैंडविच ले सकते हैं ऑलिव ऑयल के, अगर आपको बहुत ही कुछ हैवी खाने का मन है, अगर अदरवाइज आप ले सकते हैं ओट्स खा सकते हैं मिल्क के साथ, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, म्यूसली खा सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसमें क्या है कि मैंने ऑयल की चीज़ें नहीं बताई है, बस ये पराठे एंड सैंडविच, अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं और आपको बहुत ज़्यादा मन होता है तो आप अपने घर पर अपने खुद से बना करके पराठे या सैंडविच आप ऑलिव ऑयल में बनाएंगे, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए ऑलिव ऑयल बहुत बेस्ट है। इसके बाद जो है आते हैं लंच के टाइम पे, जब इनका एक
सुबह 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का लंच होता है। इस टाइम पे ये ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चपाती प्लेन ले सकते हैं, नो देसी घी, और इसके साथ साथ सैलड ले सकते हैं, जो कि सैलड हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, अगर आप दाल ऑफिस नहीं ले जा सकते, आई अंडरस्टैंड, तो आप एटलीस्ट ग्रीन वेजिटेबल अच्छी क्वांटिटी में एंड सैलड अच्छी क्वांटिटी में ले। चपाती आप जैसे आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप खाते हैं, जो आपकी डाइट है उसके अकॉर्डिंग ले। तो जो आपका लंच टाइम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको एक अच्छी सी डाइट मिलेगी, अच्छा आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी आपकी, और आपके जो है जो बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि फीवर हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गई, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब आते हैं लंच टाइम पे, जो इनका होता है 4 AM to 6 AM, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का इनका लंच टाइम होता है, सॉरी स्नैक टाइम होता है। तो स्नैक टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर एग रोल खा सकते हैं, या फिर बॉयल्ड एग भी खा सकते हैं, अगर उनको जैसा यू नो कंफर्टेबल फील हो। तो जूस, जैसे कि आपने ऑरेंज जूस ले लिया, वेजिटेबल जूस ले लिया, या फिर किसी पोमेग्रेनेट जूस ले लिया, एप्पल जूस ले लिया, बट आपको जो है आप ट्राई करिए जितना हो सके, आप बाहर का अगर ले रहे हैं तो हेल्दी लीजिए, अच्छा लीजिए, अच्छी जगह से लीजिए। और फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप फ्रूट्स लेते हैं स्नैक्स के टाइम पे, जैसे कि आप एप्पल ले गए कट करके, या फिर आप ऑरेंज ले गए कट करके, गुआवा ले गए कट करके, और कुछ भी ऐसा ले जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, एवोकाडो ले गए कट करके, वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद आती है बारी नाइट टाइम की, जो इनका टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम होता है नाइट टाइम, मतलब कि इस टाइम भी अपने ऑफिस से आ जाते हैं। जब हमारा इवनिंग टाइम होता है हमारे घर आने का, तो इनके जो है ऑफिस जाने का टाइम होता है, और जब इनके ऑफिस से घर आने का टाइम होता है तो हमारे ऑफिस जाने का टाइम होता है, मतलब सुबह 7 से 10 के बीच का टाइम। उस टाइम पे ये थोड़ा लाइट फूड ले, क्योंकि इनको सोना रहता है, ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट करके आएंगे, नींद तो आएगी ही दिन में। तो उस टाइम पे ये मिल्क ले सकते हैं, या फिर सैलड खा सकते हैं, या फिर चपाती विद ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, कुछ भी। इसके साथ साथ आप सोया चंक्स खा सकते हैं, जो कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जिसमें होता है। कैरेट खा सकते हैं, कैरेट की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, उसमें आप टमाटर डाल के कैरेट की सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। पालक खा सकते हैं, या फिर आप बीटरूट की भी सब्ज़ी खा सकते हैं। बीटरूट, रस्ट में गाइस, अगर आप बीटरूट ऐसे नहीं खा सकते, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को बीटरूट नहीं पसंद है, इवन मुझे पर्सनली बीटरूट बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बट अगर आप बीटरूट में टमाटर डाल के खाते हैं, मतलब डाल के सब्जी बनाते हैं उसके बाद खाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बारी आती है कि क्या आप कर सकते हैं अपने हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि इनका जो टाइम होता है, इनका जो स्केड्यूल होता है बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि रात के टाइम पे कितना यू नो नाइट शिफ्ट करना थोड़ा हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, एक सोक्ड आलमंड खाना है ज़रूर से ज़रूर, आपको ऑफिस जाने के पहले पहले सोक्ड आलमंड खाना बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, इवन ये सबके लिए अच्छा होता है। तो नाइट शिफ्ट वाले जो है ऑफिस जाने से पहले खाएंगे, और जिनके जो नॉर्मल है वो तो मॉर्निंग में खा ही सकते हैं एम्प्टी स्टमक। इसके बाद आपको 1 घंटा वॉक करना है, योगा करना है, या तो फिर अगर आप वॉक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप योगा भी कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ऑफिस जाने के थोड़ी देर पहले उठते हैं और आप 1 घंटा वॉक कर लेते हैं या योगा कर लेते हैं अपने घर में बैठ के, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लंच के टाइम पे आपका जो सुबह 1 बजे से 3 बजे के टाइम बीच में लंच होता है, उस टाइम पे आप लंच के बाद आधे घंटे वॉक कर लीजिए, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले इतने थक जाते हैं कि दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं होता, ऑब्वियसली नींद पूरी होगी जब भी तो आप ऑफिस जाएंगे, है ना। स्नैक टाइम में आप कुछ भी नहीं करें तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट नाइट टाइम पे आप ट्राई कीजिए कि आप सोने के 1 घंटे पहले आपको फूड खाना है, लाइट फूड खाना है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि आपको लाइट फूड खाना है, और इसके साथ साथ आपको 1 घंटे पहले खाना है, ये नहीं कि खा के और तुरंत सो गए, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ और टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपको हेल्दी रहने में जो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, जैसे कि आपको ऑलवेज टाइम पे खाना है, ये नहीं कि आपको लंच टाइम आपका 1 बजे से 3 बजे तक है मॉर्निंग में और आप खा रहे हो या स्किप कर गए या काम इतना ज़्यादा वर्कलोड है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको टाइम पे खाना लेना है प्रॉपर, तभी आपका जो आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। इसके बाद आपको पानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पीना है, हो सके तो आप ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और आपके जो बॉडी है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, और इससे आपका वेट लॉस भी होता है।
इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है। आई अंडरस्टैंड जंक फूड आज के डेट में सब खाते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, वीकेंड में चीट डे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको वर्क डेज में, वीक डेज में आपको जो है जंक फूड नहीं खाना है। ट्राई कीजिए, जितना हेल्दी खाइए, जितना घर का खाइए, बाहर का मत खाइए। आजकल क्या होता है कि इवन मैं भी बहुत बार क्या करती हूँ, नहीं मूड होता है मेरा कुक करने का तो मैं स्विगी से ऑर्डर कर देती हूँ, बट स्विगी इट्स फाइन, स्विगी इज़ अनदर ऑप्शन, बट आप ट्राई करिए कि घर का खाइए, अपने हाथ से बना हुआ खाइए, या फिर अपने घर में आपके मदर है या फिर आपके घर में कोई वो अगर कुक कर रहा है तो खाइए, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर का खाने से क्या होता है कि आपकी हेल्थ पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। इसके बाद है कि आपको एक दिन में एक बार एक जूस जरूर लेना है। क्या होता है ना, जब आपकी जो नाइट शिफ्ट होती है वो उसमें आपका जो बॉडी का सिस्टम होता है पूरे तरीके से बिल्कुल यू नो गड़बड़ हो जाता है, पूरा हिल जाता है। तो इसमें क्या करना है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान आपको खुद रखना है। तो अगर आप दिन में एक बार आप जूस पियेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, आपकी बॉडी में का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, और आपकी बॉडी में जो किसी तरीके की यू नो नाइट शिफ्ट होने से किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होंगी। इसके बाद है मिल्क आपको डेली लेना है। मिल्क आपको चाहे आप यू नो बॉर्नविटा मिक्स करिए, चाहे आप ह्यूमन हॉर्लिक्स मिक्स करिए, या फिर आप कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उसको मिक्स करके जरूर पीना। आप ऐसे भी पी सकते हैं, बट अगर आपको कुछ मिक्स करके पीना तो मिल्क मत स्किप करिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। इसके बाद है कि आपको योगा या वॉक डेली करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में क्या होता है ना, नाइट शिफ्ट में लोग बैठे बैठे काम करते रहते हैं, उसके बाद घर पे आते हैं सो जाते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि उनकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है। तो जब बॉडी मूव नहीं करेगी ज़्यादा तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में यू नो उनकी जो बोन्स होती है वो जकड़ सकती हैं, उनकी जो मतलब जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो बिगड़ सकता है, और उनकी जो डाइजेशन प्रॉब्लम उनको हो सकती है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डाइजेस्ट नहीं होता होगा कुछ चीज़ें अच्छे से। तो इसलिए उनकी बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सुबह उठ करके मतलब जब आप ऑफिस जा रहे हैं उस टाइम पे मतलब सो के जब आप उठते हैं 4 से 5 के बीच में, उस टाइम आपको योगा या फिर 1 घंटे की वॉक जरूर करनी है। इससे आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। इसके बाद जो है अगर आप योगा या वॉक में इंटरेस्टेड नहीं है तो आजकल बहुत ही अच्छी चीज़ एक आई है जुम्बा, आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जुम्बा क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी है तो आप जस्ट एक सिंपल सा अपने मोबाइल में देखिए, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे जुम्बा के आ गए हैं, मतलब यू नो उसमें क्लासेस लोग चलाते हैं यूट्यूब पे, मतलब क्लासेस चलाते हैं और यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जुम्बा ज्वाइन कर लेना है, जुम्बा करना है। जुम्बा से क्या होगा कि आप डांस भी करेंगे, आप इंजॉय भी करेंगे, और आपकी बॉडी का मूवमेंट भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से मैंने एक बहुत ही प्यारा सा चार्ट बनाया है आप सबके लिए, और अगर आप नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जिन जो नाइट शिफ्ट में है, जो वो IT में है, चाहे एयर होस्टेस हो, चाहे वो BPO में हो, आप उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और वीडियो से, एक नया वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी।